फिर दोस्तों फाइनली हमारे यहाँ बन गई दाल और बाटी, बेस्ट बाटी बन गई है। और ओन में बाटी कैसे बनाएं वो आपको पूरे डिटेल बताऊंगा, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए हमारे ओन है, ये हमारा ओन है और ये ओन गर्म हो चुका है, इसके अंदर बाटी रख दी है। और जैसे गांव में कंडे पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिटी में इतने कंडे तो मिलते नहीं, तो आज हम ओवन में बाटी बना रहे हैं। तो कितनी टेस्टी बनने वाली है ये हम आपको बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और आनंद लेते रहिएगा। आप भी अपने घर में बना सकते हैं और इसका सीक्रेट क्या है वो आपको बताऊंगा। देखिए तो बहुत ही टेस्टी इधर दाल बन रही है और अब यहाँ बनने वाली बाटी बहुत ही टेस्टी बाटी बनने वाली है। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बाटी बनेगी, सेकने के बाद आपको बताऊंगा। और इसके अंदर ये ढक्कन है, ढक्कन ढकने के बाद ये वाला ऐसे, तो ये बाटी बहुत टेस्टी बनेगी इस तरह से हल्की सी। और इसको जब थोड़ी सीख जाए तो फिर इसे पलटते भी रहे ऐसे, हल्की सी इसको पलटते भी रहे, नहीं तो एक जगह रखें तो जल जाएगी। ये वाली तो बहुत ही टेस्टी बाटी बनने वाली है। आशे आ पल्ले नहीं भी सुनो ला, चलो बाबू चलो। तो दोस्तों बाटी फाइनली बन चुकी है, अब ये पकने वाली है। तो पकने का राज क्या है वो आपको बताने वाला है। और ये हमने इसके अंदर ढक दिया है, अब चलेगा अपना हरी राज। श्री राम जय राम, हरी रस डालेंगे इसके अंदर। जय राम जय राम, कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होता मन। अन्न अगर शुद्ध होगा, अच्छा होगा, प्योर होगा, पवित्र होगा, उस मालिक के गुण गाने वाला अगर रस भोजन बन गया तो फिर और चाहिए भी क्या दुनिया में, इससे अलावा बड़ा करो और कुछ नहीं चाहिए। पर दोस्तों ये हरी रस सिर्फ अपन और अपन जो बनाने वाला वही मिला सकता है, वही बना सकता है। हरी रस भरी बाटी, हरी रस से परिपूर्ण बाटी वही बना सकता है। तो दोस्तों ईश्वर का नाम जपते जाए। जय राम 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 जय राम, श्री राम 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 जय राम जय राम जय राम जय राम। इसकी बाटी आपने कभी देखी नहीं होगी। श्री राम 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 जय 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 राम। श्री कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम। श्री राम श्री राम जय 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 राम श्री राम श्री कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे रस का इसमें जाप करते जाएं और भोजन बनाते जाएं, फिर देखो क्या आनंद आता है। श्री राम श्री राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय राम जय राम राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। खाना कहते हैं भगवान, सत्संग में सुना है, खाना खाते समय, खाना बनाते समय देखो, खाना परोसते समय हरि का गुणगान गाते जाए तो हरि इस भोजन में आके बैठ जाता है, हरि स्वयं आके परोसता है। और जब हाँ हरि आ गया तो फिर तो और कुछ चाहिए ही नहीं, फिर तो किसी चीज़ की कमी नहीं। तो हरि का गुणगान
हर जगह हरि परमात्मा को पहले रखना चाहिए, आगे रखना चाहिए और हरि के गुण गाना चाहिए। हरि राम श्री कृष्ण, हरि राम श्री राम, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम। अब ढक देंगे दोस्तों इसको, ऐसे थोड़ी देर ऊपर पक जाएगी अच्छी बढ़िया। तो दोस्तों दाल और बाटी में ईश्वर का गुणगान गाते जाएं, खाना बनाते जाएं और हरी रस मिलाते जाएं। हरी रस से अपना भोजन इतना स्वादिष्ट और इतना पवित्र, प्योर और पवित्र बनेगा जिसका खाने का आनंद तो लाखों गुना हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।